एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। जो सहसंग सहसानंग मासे मासे गवंग दे तस्सा भी संजमों से वो आदिंसंस भी किंचनम। एक व्यक्ति प्रतिमास 10 लाख गांव को दान करता है, कितना? तुम कितना दान कर सकते हो? कितनी गाय का दान कर सकते हो? 2, 4, 10, 100, 200, 500 कर दोगे? भगवान कहते हैं एक व्यक्ति प्रतिमास 10 लाख गायों का दान करता है, 10 लाख। सुनो, उसकी अपेक्षा जो अपने को जीत लेता है, जो अपने को जान लेता है, जो अपने को प्रवेश कर लेता है, वो श्रेष्ठ। 10 लाख गाय को देने के बाद जो स्वयं को जान लेता है, स्वयं को पहचान लेता है, स्वयं में रमन करने लग जाता है, महावीर की साधना भीतर आ जाती है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ। गीतराग वचन है, मेरे वचन नहीं है, सत्य वचन है, अटल वचन है, सत्य वचन है। एक व्यक्ति प्रतिमास 10 लाख गाय को दान करता है और एक व्यक्ति स्वयं को जीतने का पुरुषार्थ करता है, चाहे ना भी जीता जाए, पुरुषार्थ करता है, साधना करता है, अग्रसर होता है, पितर प्यास पीड़ा जागृत होती है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ। ये अपने को जीतने का फल, अपने को जानने का फल, अपने भीतर प्रवेश करने का फल। मगध सम्राट कई बार आप सुन चुके हैं, हजारों बार, पूनिया श्रावक की एक समायक नहीं खरीद सका। हाथी, घोड़े, हीरे, जवाहरात सब देने को तैयार है, एक समायक। नरक का बंधन तोड़ सकता है, भगवान ने कहा श्री ने, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू खरीद ही नहीं सकता। तो धन दौलत से धर्म खरीदा नहीं जाता। तुम्हारे पास चक्रवर्ती का राज्य हो, कामधेनु गाय हो, चिंतामणि रतन हो, और एक तरफ तुम्हें महावीर का धर्म, आत्मदृष्टि मिल जाए, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? श्रेष्ठ है महावीर की आत्मदृष्टि, महावीर की समायिक, महावीर की साधना, महावीर का भेद विज्ञान, महावीर की मैत्री और करुणा। क्योंकि चक्रवर्ती का राज्य एक दिन छूटेगा, जब श्वास टूटेगी सब टूट जाएगा, कामधेनु गाय भी जाएगी, चिंतामणि रतन भी जाएगा, जो कुछ तुम्हें मिला है एक श्वास की डोरी के साथ सब संबंध है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धन, तुम्हारे हीरे जवाहरात, तुम्हारे सारे संबंध, जो कुछ तुमने आज तक अर्जित किया है, बचपन से लेकर जो धन कमाया है, फैक्ट्रियां लगाई हैं, सब कुछ है, इसकी कीमत क्या? एक श्वास की डोरी अटकी है और कुछ नहीं है। परंतु ये महावीर की आत्मदृष्टि, ये महावीर का आत्मज्ञान, एक बुद्धि का ज्ञान, एक आत्मज्ञान। बुद्धि का ज्ञान यहां तक है, जैसे मैंने महावीर की वाणी को पढ़ा, आपको सुना दिया, ये यहीं तक रह जाएगा, मेरे साथ जाएगा नहीं। पर वो ज्ञान जो आत्मज्ञान भीतर से आता है, वो साथ जाएगा, वो तुम्हारे जीवन तक साथ जाएगा। इसलिए महावीर की आत्मदृष्टि को समझने का पुरुषार्थ करो। समझोगे कैसे? शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, ये समझ लो पहले। देह में आत्मा है, आत्मा देह में, आत्मा अलग है। हमने क्या कर लिया? देह और आत्मा को एक मान लिया।
तुम हो ही नहीं, तुम एक शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकार अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद, वो तुम्हारे शरीर के भीतर बह रहा है, प्रतिपल प्रतिक्षण बह रहा है, वो तुम हो। जन्म से पहले भी तुम थे, मौत के बाद भी तुम रहोगे, और जन्मों जन्मों के भ्रमण करने के बाद भी तुम रहोगे, फिर भी तुम रहोगे। वो कौन है, उसकी पहचान कर ही नहीं जा सकते, उसका कोई नाम ही नहीं, अनाम, कोई नाम नहीं दे सकते, कोई लिंग नहीं, कोई रंग नहीं, कोई इंद्रियां नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई मन नहीं, कुछ नहीं। पर उसके बिना भी तुम कुछ नहीं। आत्मा की उपस्थिति में देह क्रिया करता है, पर आत्मा नहीं करता, देह करता है। इसको समझ लो अच्छी तरह। बार बार लोग प्रश्न पूछते हैं, ये समझ में आ जाए, मैं कुछ करता ही नहीं, मैं दान दे ही नहीं सकता। तुम क्या कहते, मैंने दान दिया, मैंने स्थानक बनाया। यदि महावीर की दृष्टि आपके पास आ गई, इस देह ने कुछ समझा, और मेरे पास धन था, उसका उपयोग हो गया, मुझे अवसर मिल गया, उपयोग हो गया, मेरे द्वारा स्थानक बना या चतुर्मास हुआ, मेरा कुछ हिस्सा डल गया और मुझे अवसर मिला, और इतने लोगों ने धर्म किया, साधना की, तप किया, ध्यान किया, मुझे अवसर मिला है प्रभु, ऐसा अवसर बार बार देते रहना, ये है आत्मा की दृष्टि। और कोई कहते, मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, ये है कर्म का बंधन। चाहे पुण्य का है, चाहे वह पाप का है, वो आपको संसार में लंबा ले जाएगा। देवलोक मिल सकता है उससे, पर फिर संसार में आना पड़ेगा। ये आत्मदृष्टि, क्योंकि आत्मा का, जब तुम आत्मा के स्वभाव में रहोगे तो तुम करने वाला हो ही नहीं। तुमने ये कहना पड़ेगा व्यवहार दृष्टि से, पर एक्चुअली तुम नहीं हो। श्री कृष्ण गीता में यही तो कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन तो युद्ध करने वाला है, तो क्यों घबराता है, अपना कर्तव्य कर, उत्तिष्ठ जागृत पार्थ, तू साक्षी हो जा, जो होगा होने दो, अब कुछ हो नहीं सकता। जब कृष्ण ने लास्ट उपाय कर दिया संधि के लिए, बहुत कुछ कहा, दुर्योधन तू मान जा, तू मान जा, नहीं माना, पांच गांव ही दे दे। दुर्योधन कहता है, गवाले, पांच गांव की बात तो क्या, सुई की नोक जितनी जगह भी मैं दू नहीं दूंगा, तू तो ग्वाला है, तुझे पता क्या है, यदि राज्य लेना है युद्ध करो, जो जीत जाएगा ले लेगा, इतना अहंकार था दुर्योधन को। तब कृष्ण ने कहा, फिर युद्ध ही होगा। फिर अर्जुन घबराता है, मेरे गुरु बैठे, भीष्म पितामह बैठे, मेरे भाई बैठे। तब कृष्ण ने कहा, तू मारने वाला कौन, अपना कर्तव्य का पालन कर, ये कर्तव्य है। श्रावक का भी कर्तव्य है, श्रावक निरपराध किसी को नहीं मारता। क्या तुम जा रहे हो, तुम्हारी कोई बहु बेटी पर कोई आक्रमण कर रहा है, तुम्हारा अधिकार बनता है, तुम कुछ भी कर सकते हो उस बहु बेटी को बचाने के लिए, साधु भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। ये व्यवहार दृष्टि है, ऐसा नहीं कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरा नहीं, उस समय पर तुम्हें क्या करना। साधु को भी भगवान ने बताया, एक साध्वी नदी के किनारे किसी कारण से पांव उछल गया, गया, साधु को पता चला कोई पास में नहीं है। भगवान कहते, साधु नदी में जाए, उस साध्वी को अपने कंधे पे उठा करके बाहर निकाल दे, फिर प्रायश्चित ले ले, ऐसा कर सकते, दोनों मार्ग होते हैं। किस समय क्या करना, जंगल में साधु जा रहे, आज तक स्थानक बन गए, साध्वियां जा रही, जंगल पड़ गया, साधु आवश्यकता पड़ने पर, साध्वियां अंदर हैं, साधु रक्षा कर सकते हैं उनकी, उनके जीवन की रक्षा कर सकते हैं साधु। किस परिस्थिति पर क्या करना,
ये स्वयं बोध और विवेक की बात होती है। इसलिए महावीर की आत्मदृष्टि बहुत ऊंची, बहुत ऊंची। सब में परमात्मा का दर्शन करो, मुझ में आत्मा, तुम में आत्मा, सब में परमात्मा। एक परमात्मा का बोध लेके आओ, फिर तुम्हारे भीतर हिंसा का भाव नहीं आएगा, चोरी का भाव नहीं आएगा, परिग्रह का भाव नहीं आएगा। धन संग्रह कब तक करते रहोगे, कितना जीना है? धन की जगह धर्म करोगे, परम धन कमाओगे, वो धन जो चोर चुरा नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। इसलिए भगवान ने कहा, तमासे मासे वो जो बालो कुसग्गेनं तु भुंजय नैस सुयक्षे धम्मस कलंग अघई सोल सिंह। जो अज्ञानी जीव बाल जी, इनको धर्म का बोध नहीं है, जो धर्म नहीं जानते, हट पूर्वक तप करते हैं, जैसे कोई नदी के किनारे खड़ा है, कोई अग्नि तपा के तप कर रहा है, कोई अपने क्रोध से कर रहा है, कोई न्यान से कर रहा है, मेरे मुझे ये मिल जाए वो मिल। कभी साधु को श्रावक को तप करते समय ये भावना नहीं भानी चाहिए कि मेरा ये काम हो जाए तब मैं तप करूं, समाय करूं, प्रार्थना करूं, ऐसा कभी भी निदान नहीं करना चाहिए। निदान कर लोगे, निदान तो पूरा हो जाए, गति बिगड़ जाएगी तुम्हारी। ब्रह्मदल चक्रवर्ती को नरक में जाना पड़ा, क्यों? निदान किया था कि मैं चक्रवर्ती बनूं, चक्रवर्ती तो बन गया, धर्म नहीं मिला, सातवीं नरक में गया। चक्रवर्ती धर्म करता है और अंतिम संन्यास ले लेता है, महावीर के मार्ग को चुन लेता है तो सीधा मोक्ष जाता है, और चक्रवर्ती धर्म नहीं करता, भोग भोगता है, सातवीं नरक। कहाँ सातवीं नरक और कहाँ 26 देवलोकों के ऊपर सिद्ध गति, ये मनुष्य कर सकता है, ये दृष्टि है। तो कभी अपने जीवन में निदान मत कर लेना कि मुझे ये फल हो जाए तो ये हो जाए, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए तो मैं ये तप कर लूं, कभी मत करना। जो ज्ञानी जीव प्रतिमास कुशा के अग्र भाग पर आहार लेता है, कितना? कुशा जो घास की ऊपर होती है, कुशा उसके अग्र भाग जितना आहार लेता है, वह तीर्थंकर देव के द्वारा बताए हुए सर्ववृत्ति रूप धर्म की 16वीं कला को भी प्राप्त नहीं कर सकता। तीर्थंकर भगवान का धर्म सर्वोच्च धर्म है। जैसे बारिश खीर मुझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं आत्मा असंख्यात परदेशी आत्मा, इस शरीर के अंग अंग कण कण रोए रोए खून के कतरे कतरे में आत्म प्रदेश विद्यमान है। देह में आत्मा और देह से भिन्न आत्मा, आत्मा का आकार नहीं निराकार है आत्मा। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद से परिपूर्ण शुद्ध आत्मा। अपने भीतर गहरे चले जाएं, विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो, तुम मन बुद्धि संस्कार भी नहीं हो, तुम एक शुद्ध आत्मा, एक शुद्ध आत्मा जो पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। तीनों लोकों में, तीनों कालों में एक ही सत्य है। देह बदलेगी, योनि बदलेगी, पर आत्मा वही है, सत्य है, अटल सत्य है। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो,
सद्गुण से भर जाए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबको धर्म मिले, वीतराग धर्म मिले, इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायणंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तव देवावितंग, नमंग शांति जस धम्मे सिया मनु श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम, चत्तारी शरणं भवज्जामि, अरहन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली पण्डितं धम्मं शरणं भवज्जामि, चारे शरण दुख हरण जगत में और नाश शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद का सदा ही मंगल हो। जैसे बारिश किरम झिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी बिझर